पार्टियों से हमारा स्वागत करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अम्बुज उपाध्याय। ब्रज में बसंत पंचमी पर होली का डंडा गढ़ने के साथ ही ब्रज के सभी मंदिर और गांव में होली महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। यह 40 दिनों तक चलता है, लेकिन खास तौर से होली महोत्सव फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से यानी लड्डू फेंक होली से शुरू होता है। होली के त्योहार को गोकुल, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, मथुरा के साथ साथ यह बोलना काफी होगा कि पूरे ब्रज में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ रंग वाली होली से पहले लड्डू, फूल और छड़ी वाली होली भी मनाई जाती है। इसके बाद बरसाने और नंदगांव में लठमार होली का आयोजन होता है। ब्रज के होली कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए देश और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। ब्रज में चल रहे होली महोत्सव में शुक्रवार को बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली खेली गई। आइए नजर डालते हैं कि लठमार होली खेलने की क्या परंपरा है। सबसे पहले बरसाने राधा रानी मंदिर से नंदगांव को निमंत्रण भेजा जाता है। बुलावे पर नंदगांव के ग्वाले आते हैं और फिर बरसाने की पीली पोखर पर आकर होरियारनों से लठमार होली खेलने की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंदगांव के लोग आते हैं उनका बरसाने के गोस्वामी समाज द्वारा स्वागत सत्कार किया जाता है। जैसे कोई अपनी बेटी के ससुराल वालों का करता है, उसी तरह आज भी यहाँ नंदगांव के लोग कृष्ण के ससुराल यानी बरसाने में आते हैं और नंदगांव के लोग उनका अपने दामाद की तरह स्वागत सत्कार करते हैं और भांग पिलाकर सभी को होली खेलने के लिए रंगीली गली में चलने का अनुरोध करते हैं। पीली पोखर पर आने के बाद नंदगांव के हुरियारे अपने सर पर फेंटा बांधते हैं और यहीं पर से तैयार होकर जाते हैं। पहले बरसाने के राधा रानी मंदिर में जहां बरसाने और नंदगांव के लोग मिलकर बधाई गायन करते हैं, फिर हुरियारों पर टेसू से बना रंग डाला जाता है। उसके बाद सभी रंगीली गली में आते हैं, जहां महिलाएं लहंगा चुन्नी पहनकर और हाथों में लठ लेकर आती हैं। पुरुष सर पर पगड़ी बांधकर बदन पर बंधी बगल पहनकर आते हैं और हाथों में पड़ने वाले लठों से बचने के लिए ढाल लेकर आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। आज के दिन पूरा बरसाना हर तरफ रंग और गुलाल से सराबोर दिखाई देता है और देश विदेश से लाखों भक्त इस होली में जमकर नाचते गाते हैं और खूब होली का आनंद लेते हैं और सभी हुरियारे और हुरियारन इस होली को नाच गाकर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। नंद के लाला की जय। आज विश्व प्रसिद्ध लठमार होली और हम सभी नंदगांव के ब्रजवासी अपनी अपनी पाग को धारण करके और श्री जी महल दर्शन करने के लिए यहाँ से अपनी अपनी ढालों को लेकर के चलेंगे और वहाँ बरसाने की जो ब्रज गोपियाँ हैं वो प्रेम वाली ढारी लाठियों से हमारा स्वागत करेंगी और हम सभी ब्रजवासी आनंद के साथ में इस होली को मनाते हैं और यही हमारी एक विश्व प्रसिद्ध लठमार होली है, जो हमारे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर के यहाँ बरसाना में श्री किशोरी जी के साथ खेली थी। वही परंपरा हम आज परंपरा को निभाते हुए सभी नंदगांववासी बरसाना के लिए आते हैं और ये पीली पोखर पर आकर के हम सभी लोग अपनी पाग बांधते हैं। पाग बांधने के बाद में सभी लोग अभी झंडी के साथ में बरसाना चलेंगे श्री जी भवन, दर्शन करने के बाद में रंगीली गली में जाकर के हम लठमार होली खेलेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।